जिंदगी में कभी सोचना है तो बड़ा बनने के लिए सोचो दोस्तों। दोस्तों अभी हम आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था। घर में कभी कभार सब्जी बनाती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटी निकाल कर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब सा था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसके टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा है, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां ही थी। इसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्रियों देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिरकार वह व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ लिया कि भैया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं। फिर रोटी के टुकड़ों को हर बार काली टिफिन में डालकर ऐसे क्यों खा रहे हो, मानो उसमें सब्जी है। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया इस काली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है, मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, काली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी खा रहे हो, क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं रोटी के साथ अचार खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा ही लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। इसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह मटर पनीर सोचते, चिकन मटन सोचते, तुम्हें इसका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया। स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो शायद उनका स्वाद आता। तो दोस्तों आखिरकार वो व्यक्ति ऐसे क्यों कह रहा था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये स्टोरी आपका दोस्तों के लिए काम आए तो इसे शेयर जरूर करना। आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।